हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 में मैंने 656 ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है और मैंने इस साल 2017 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टोटल 304 मार्क्स मैंने लाए हैं। पेपर वन में मुझे 152 मार्क्स मिले हैं। पेपर टू में मुझे फिर अगेन 152 मार्क्स मिले हैं। मैं आपको ये भी बात कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अपने मैंने पहले अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2000 यानी कि 16 में सिर्फ 225 के अंक के आसपास कुछ अंक लाए थे, जिसमें से मुझे याद है कि पेपर वन में मैंने 135 का स्कोर मैंने लाया था और पेपर टू में मेरे काफ़ी कम नंबर थे, जिसमें सिर्फ 92 मैंने स्कोर किया था डबल डिजिट में। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है मेरा 225 से लेके और यहाँ से 304 तक। तो आज मैं मोहम्मद नदीम आपके सामने अपने जो भी मिस्टेक्स थे मैं वो शेयर करूँगा अपने पहले अटेम्प्ट में, उसके साथ साथ मैं उन मिस्टेक्स को मैंने कैसे इम्प्रूव किया मैं वो शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप भी किस तरह वो स्ट्रेटजी अपना के अपने अटेम्प्ट्स भी बचा सकते हैं और अच्छा काफ़ी अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। तो मैं पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि दो पेपर्स हैं, इसमें पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस को डील करता है और दूसरा पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करता है। पहला पेपर तो लगभग स्टैटिक ही होगा। पेपर टू में आपका थोड़े टॉपिक्स जो हैं काफ़ी डायनामिक होता है और आपको करंट अफेयर्स के ज़रिए करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा डिसीजन था पॉलिटिकल साइंस लेने का, इसका एक ही इनिशियल शुरुआत में सिर्फ एक ही वजह थी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा ओवरलैप मुझे मिला, जैसे कि एस ए में मुझे हेल्प होगी। लास्ट ईयर मैंने एस ए में 2016 के एग्ज़ाम में जो मैंने एस ए लिखा था वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर एस ए आया था और मैंने इसी पे एस ए लिखा था। और ये एस ए के एग्जैक्ट जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, मैंने इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ा था, तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ। इस साल इस साल यानी कि 2017 में जो मैंने एसे दिया था वो रेलेवेंस ऑन नॉन अलाइनमेंट मोमेंट पूछा गया था मुझसे, तो मैंने इस पे फिर से अपना एसे लिखा था और ये इसका भी टॉपिक मेरे ऑप्शन में कवर हो गया था। तो दोनों टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो टॉपिक में मैं ज़्यादा परफेक्ट था, जिसके पास मेरा कंटेंट था, कमांड अच्छा था, तो मैंने वही टॉपिक्स लिखे थे ऐसे में। इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट की खास बात ये है कि आपको काफ़ी ओवरलैप मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यूपीएस पेपर वन की, तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस आप जब इंटरनेशनल मोमेंट पढ़ते हैं पेपर वन पार्ट बी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका, थोड़ा इंटरनेशनल मोमेंट थोड़ा सा कवर होगा आपका, फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पोर्शन कवर हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पोर्शन कवर हो जाता है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर टू की, तो आपका बहुत ज़्यादा हिस्सा पॉलिटी का इसमें थोड़ा कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आपका आयर इंटरनेशनल रिलेशन जो एक खुद अलग एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, पेपर टू में ये कवर हो जाएगा। ऐसे तो है ही हमारा, ये यहाँ पे बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट, यहाँ पे। पेपर फोर में भी अगर आप देखें एथिक्स के पेपर में, इन विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूज लाइक राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये आपके वैल्यूज जो आप नॉर्मेटिव अप्रोच भी कहते हैं, ये आपके इसमें कवर हो जाएंगे पेपर फोन में। तो इतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट दिखा, ये एक ही वजह थी कि मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट चुना। मेरा बैकग्राउंड जो था कहीं भी इससे क्लोज नहीं था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है सिविल से, सिविल इंजीनियरिंग मैंने की है 2014 में,